डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज की इस लेक्चर में हम अपने जो प्रीवियस लेक्चर था जिसमें हम ऑर्गल डायग्राम डिस्कस कर रहे थे, इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और ऑर्गल डायग्राम पार्ट टू। तो जो पिछले क्लास में हमने ये देखा था कि ऑर्गल डायग्राम्स क्या है, फिर हमने ऑर्गल डायग्राम फॉर D1 D9 सिस्टम को हमने डिटेल्स में डिस्कस किया था, बोथ इन केस ऑफ ऑक्टाहाइड्रल एंड टेट्राहाइड्रल की केस में, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो बाकी हमारा बचता है, D2 सिस्टम, D8 सिस्टम, D3 सिस्टम और D7 सिस्टम को, ठीक है। इन चारों को हम डिस्कस करेंगे। चारों के बीच में एक ही आपको सिमिलर टाइप का ऑर्गल डायग्राम, एक ही कंबाइनेड ऑर्गल डायग्राम में आपको पूरा ये दो चारों सिस्टम है, D2, D8, D3, D7 सिस्टम आपको क्या होगा, कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये रिलेट क्यों हो रहा है, ये हमारा D2 और D8, D3 और D7 रिलेट क्यों हो रहा है, ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि D1 और D9 रिलेट हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि D1 में हमारा एक इलेक्ट्रॉन था, वेयर इज इन केस ऑफ D9 हमारा क्या था, एक होल था, ठीक है। दोनों सिमिलरली, जहां हम D1 में जो एक इलेक्ट्रॉन को हम कैरी ऑन करके जाते थे, तो D9 में हम 9 इलेक्ट्रॉन के बजाय वहां पे हम एक होल की ट्रांसफर को हम कंसीडर करते थे। लेकिन क्या था कि हमारा होल और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिलेशन था तो वो इनवर्स था, ठीक है। एक पॉजिटिव हम एक कंसीडर यूजुअली कंसीडर करते हैं, एक नेगेटिव चार्जेड हम कंसीडर करते हैं, तो उनके ऑर्गल डायग्राम्स क्या आता था, इनवर्स आ रहा था। उसी तरह हम बहुत टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल को एक साथ कंसीडर करेंगे, लेकिन जो टेट्राहाइड्रल का हमारा ऑर्गल डायग्राम होगा उसका इनवर्स होगा हमारा क्या, ऑक्टाहाइड्रल की केस क्या डायग्राम क्या होगा, ऑक्टाहाइड्रल टेट्राहाइड्रल के इनवर्स होगा, टेट्राहाइड्रल ऑक्टाहाइड्रल का जो ऑर्गल डायग्राम का इनवर्स होगा, ठीक है। सिमिलरली उसी तरह हमारा D2 की केस में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। D8 की केस में हमारा क्या है, 2 होल्स है, ठीक है। यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ पे हम क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो ज्यादा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, तो हम यहाँ ट्रांसफर सिर्फ 2 जो हमारे पास होल्स बचता है, खाली जगह बचता है 2 डी ऑर्बिटल में, तो उसको हम कंसीडर करेंगे। तो होगा क्या, जो भी हमारा इस D2 सिस्टम का ऑर्गल डायग्राम होगा उसका क्या होगा, ऑर्गल डायग्राम होगा हमारा इनवर्स होगा उनका, उसका इन उल्टा हमें बनेंगे D8 सिस्टम में, क्योंकि यहां में हमारा क्या है, 2 होल्स है। तो यहां पे रिलेशन जो इलेक्ट्रॉन्स और होल का जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स है। तो हम देखेंगे कि आज D2 या D8, D3 या D7 के लिए हमारा कौन सा ऑर्गल डायग्राम, कैसा ऑर्गल डायग्राम बनता है, और हमारे D3 और D7 के लिए हमारा कौन सा ऑर्गल डायग्राम बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा, जब हमने माइक्रोस्टेट डिस्कस किया था, तो यहाँ पे हमारा लगभग 45 माइक्रोस्टेट्स हमें D2 सिस्टम के लिए आता था। माइक्रोस्टेट मींस हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जो पॉसिबल रहता है, माइक्रोस्टेट्स जो हमने कैलकुलेट किया था D2 के लिए, वो हमारा लगभग 45 माइक्रोस्टेट्स हमें मिला था। इसमें हमें अब इस जो 45 में से हमें जो लीस्ट एनर्जी का, जो हमारा मोर फेवरेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, उनमें से हमारा जो टर्म आता था वो है हमारा एक F, P, S, D, ठीक है। ये सब टर्म्स हमें क्या होता था, हमें जो D2 की केस में ये सारा टर्म्स हमें मिल जाता था, ठीक है। इन टर्म्स में से हमारा और इसमें हमारा G भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो चार टर्म्स हम कंसीडर करते हैं आउट ऑफ 45 टर्म्स में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा F और P है, इनका जो हमारा, हम यहाँ पे जो कहेंगे कि हमारा यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी, अगर हम D2 की केस देखेंगे तो, ठीक है, 5 ऑर्बिटल्स में हमारे 2 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है,
स्पिन मल्टीप्लिसिटी का कैलकुलेट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि स्पिन सिलेक्शन रूल्स बताते हैं कि हमारा सिर्फ वो वाला इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसेक्शन अलाउड होगा जिनमें स्पिन की वैल्यू में या स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। तो यहां अगर हम देखेंगे तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 क्या बनता है, s जो है हमारा इज इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ 2 है, 2, 2, 1, ये कैंसिल 1, मींस यहाँ पे s का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 × 1 + 1 विच इज इक्वल टू 3। यहाँ पे हमें मिलता है 3a 3p 1g 1s 1d। तो आउट ऑफ दीज 5 टर्म्स, इन 5 टर्म्स में से सिर्फ हमारा 2 टर्म्स जिनकी स्पिन क्या है हम कंसीडर कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसेक्शन के लिए, F और P का, क्योंकि ट्रिपलेट इनका स्पिन है तो इनका स्पिन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो क्या करना है, ये हमें ग्राउंड स्टेट टर्म कंसीडर करना है, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट, अब इन 5 स्टेट में से हमें ग्राउंड स्टेट टर्म कैसे कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमने इसके लिए भी हमने रूल्स बोला था कि सबसे पहले हमें कंसीडर करना होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, जिसका सबसे ज्यादा स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगा वो क्या है, ग्राउंड स्टेट टर्म है। तो यहाँ पे हमारा F और P का क्या है, 3, 3 है, तो 1, 1, 1, ये तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो गया, यहाँ से आउट हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमने बोला था उसमें हमारा L का वैल्यू F और P, तो यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू से हमारा 2 ग्राउंड स्टेट टर्म्स D2 सिस्टम के लिए, सिमिलरली उसी तरह हमारा D8 सिस्टम के लिए भी यही ग्राउंड स्टेट टर्म बनेंगे, एक आपका ट्रिपलेट F और आपका एक ट्रिपलेट P, बोध हमारा D2 D8 सिस्टम के लिए, ठीक है, हमारा क्या बनेंगे, ये वाला F और P, ट्रिपलेट और ट्रिपलेट P। इसी तरह सिमिलरली हमारा D3 D7 के लिए भी हमारा ग्राउंड स्टेट F होगा और P होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा स्पिन मल्टीप्लिसिटी इंस्टेड ऑफ 3 यहाँ पे हमारा स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमें क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कैसे देखते हैं, D3 सिस्टम जो कि हमारा सिंपल है उसको हम कंसिडर करेंगे, 1, 2, 3, 2s+1 = 2, s = half of number of unpaired electron which is 3, therefore 3/2 which is equal to 2 × 3/2 + 1, 2, 2 cancel, 3 + 1 = 4, spin multiplicity इसकी केस में हमें क्या आता है, 4 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चारों सिस्टम के लिए D2 and D8 D3 and D7, इनके लिए हमें क्या मिलता है, हमें जो ग्राउंड स्टेट टर्म है, अगर हम मल्टीप्लिसिटी को अगर हम यहां से हटा देते हैं तो ग्राउंड स्टेट टर्म हमें 2 मिलता है, एक F मिलता है और दूसरा P मिलता है, ठीक है। अब इसी को कंसीडर करके हम इनकी कंबाइंड ऑर्गल डायग्राम बनाते हैं और वो देखते हैं कैसा बनता है, ठीक है। जिस तरह हमने D1 D9 सिस्टम के लिए कंबाइंड बनाया था उसी तरह हम यहां पे भी हमारा ऑर्गल डायग्राम ऐसे बनेंगे। ये हुआ, यहां पे आपका ग्राउंड स्टेट टर्म होंगे जो कि यहां पे 2 है, एक आपका F है, F ग्राउंड स्टेट कम एनर्जी है क्योंकि L का वैल्यू ज्यादा है और P क्या होगा, ज्यादा होगा, और इन जो ग्राउंड स्टेट्स के टर्म्स के बीच में जो डिस्टेंस आता है, ठीक है, उसको यूजुअली हम 15 B इनकी डिस्टेंस होता है, जो बी यहां पे है वो राका पैरामीटर है, राका पैरामीटर मींस जो कि हमारे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हमें बताता है कि क्योंकि हम अभी कंसीडर कर रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो यहां पे आपको जो ऑर्गल डायग्राम कंबाइन बनेंगे वो ऐसे कुछ बन जाएंगे, ठीक है, और अभी हम टाइमिंग के लिए इसको हम मिटा देंगे। ऐसे आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, पहला, सेकंड में आपको और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, 2 हो गए, ठीक है, इसके बाद आपको यहां से और एक लाइन ड्रॉ होगा, ये 3 हो गए, और यहां पे क्योंकि P वाला टर्म अलग है और यहां पे ये थोड़ा ट्विस्ट हो जाता है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो क्यों होता है वो हम आपको अभी बता देंगे, इसको हम हटा देते हैं यहां से थोड़ा टाइम के लिए। तो यहां से फिर आपको ऐसा मिलेगा पी टर्म, ठीक है, तो यहां पे जो टर्म है हमारा पी है और ये जो टर्म है हमारा एफ टर्म, ध्यान से देखिए एफ टर्म, यहां पे ये थोड़ा इधर घूम जाएंगे और ये यहां पे
इधर घूम जाएंगे। क्यों घूमता है वो हम अभी आपको बताते हैं। फिर यहां पे जो हमारा एफ टर्म है, हमने बताया था कि जो हमारा एफ फ्री आयन टर्म है वो, क्योंकि इसमें 7 ऑर्बिटल होता है तो वो डिवाइड होता है एक, तो हमारे ए टू जी। अगर ऑक्टाहाइड्रल ले रहे हैं तो जी लिखेंगे। अभी हम इसको कंबाइन सबके लिए ले रहे हैं तो हम इस जी को हम क्या करते हैं, फॉर टाइमिंग के लिए हम इसको रहने देते हैं। ए टू जी के लिए ए टू टी टू, ठीक है, प्लस टी वन, क्योंकि हमारा जो एफ टर्म है वो मोलेक्यूल्स, जो हमारा टर्म्स है मोलेक्यूल सिंबल्स में ऐसे हमारा डिवाइड होता है, और जो हमारा पी टर्म है क्योंकि ये फील्ड इफेक्ट में डिवाइड नहीं होता तो ये एक ही रहेंगे। ये वाला एफ टर्म अब हमारा डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होके आपको एक टी वन जी मिलेंगे, इसके साथ एफ लिखना है क्योंकि हम हमारे पास दो ग्राउंड स्टेट टर्म है, एक एफ है एक पी है। दूसरा आपका आएंगे यहाँ पे टी टू एफ जी को हम अभी टाइमिंग के लिए कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हम ये बहुत टेट्राहाइड्रल इस वर्सेस ऑक्टाहाइड्रल के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहा है, कंसीडर कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे क्रॉस ओवर हो जाता है, वो क्यों होता है और यहाँ क्यों नहीं होता है वो अभी हम आपको बताते हैं। फिर यहाँ पे टी वन पी लिखेंगे और यहाँ पे हमारा ए टू एफ जो राइट साइड है, ठीक है। तो सिमिलरली इसका तो अपोजिट डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड में आ जाएंगे तो ए टू उधर ऊपर है तो यहाँ पे ए टू आएंगे और ये है एफ, ठीक है। ये वाला है आपका टी टू है एफ, ये वाला आपका है टी वन एफ और ये वाला आपका है टी वन पी, ये वाला आपका है टी वन पी। अब यहां देखिए यहां पे इसका जो ट्विस्ट होना, इसका थोड़ा बेंड ऑफ हो जाना इन दोनों का, ये जो ट्विस्ट होता है वो उसे हम कहते हैं नॉन क्रॉसिंग रूल। नॉन क्रॉसिंग रूल की वजह से हमारा क्या हो जाता है, ये यहां पे क्रॉस नहीं होता है क्योंकि नॉन क्रॉसिंग रूल आपको क्या बताता है, हम यहां आपको लिखते हैं नॉन क्रॉसिंग रूल जो आपको बताता है, ये कहते हैं कि अगर हमारा दो सिमेट्री टर्म्स, जो दो टर्म्स है उनका सिमेट्री अगर सेम होगा तो वो दोनों कभी भी एक दूसरे से क्रॉस ओवर नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे ड्यू टू देयर क्वांटम मैकेनिकल मिक्सिंग। ये आपको बताता है द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट विथ सेम सिमेट्री नेवर क्रॉस ईच अदर बट रिपेल ईच अदर due to their quantum mechanical mixing की वजह से। अगर आपकी दो जो स्टेट का है, दो एनर्जी स्टेट का है या टर्म्स का, अगर आपका दोनों यहाँ पे सिमेट्री सेम रहेगा क्योंकि यहाँ दोनों टी वन है, टी वन है, ठीक है, ये एफ स्टेट का है ये पी स्टेट का, सिमेट्री दोनों का सेम है, टी वन जी इन केस ऑफ ऑक्टाहाइड्रल, टी वन यू इन केस ऑफ टेट्राहाइड्रल, तो यहाँ पे अगर सिमेट्री सेम होगा तो ये कभी भी मिक्सिंग नहीं होगा, इसीलिए ये एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो रहे और दूर चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आपका एक है ए टू, दूसरा है टी वन, यहाँ पे सिमेट्री का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पे ये दो क्या हो रहा है, क्रॉस ओवर हो रहा है, लेकिन इस साइड में ये ड्यू टू सेम सिमेट्री ये आपका क्रॉस ओवर नहीं होता है। और वो किससे, हमारे जो नॉन क्रॉसिंग रूल है उससे हमें एक्सप्लेन होता है, ठीक है। तो ये है आपका
कंबाइन डायग्राम, कंबाइन ऑर्गल डायग्राम है, इसको ध्यान, इसको याद रखने है आपको, एग्जाम में अगर आपको पूछेंगे तो कोई भी स्टेट आएंगे आप डायरेक्ट ऑर्गल डायग्राम बनाना है, फिर देखना है यहीं से आपको इसमें कितना ट्रांसेक्शन होगा, कितना नंबर ऑफ ट्रांसेक्शन होगा, कितना एक्चुअल यूवी जो स्पेक्ट्रा में आपको ग्राफ आ रहे वो सब यही इसी कंबाइन ऑक्टाहेड्रल डायग्राम से आपको एक्सप्लेन होगा। इसको हमने बताया ये D2, D8, D3, D7 के लिए हमारा क्या है कंबाइंड ऑर्गल डायग्राम है, इसको आपको क्या करना है याद रखना है कंबाइंड ऑक्टाहेड्रल डायग्राम फॉर D2, D8, D3, D7। अब हम यहां पे आपको बताएंगे कि ये वाला साइड किसके लिए है और ये वाला साइड किसके लिए, ध्यान से देखिएगा। ये वाला साइड जो है वो आपका एक D2 है, ठीक है, और D7 है ऑक्टाहाइड्रल इन्वायरमेंट में। अगर D2 और D7 ऑक्टाहाइड्रल इन्वायरमेंट में होगा तो आपको इस साइड के ऑर्गल डायग्राम को लेना है, और यहां पे D3, D8 टेट्राहाइड्रल के लिए क्या होगा इस साइड का ऑक्टाहाइड्रल डायग्राम होगा। फिर यहां पे ये जो इस साइड में है ये D3, D8 ऑक्टाहाइड्रल के लिए है और D2, D7 टेट्राहाइड्रल के लिए है। जो हमने पहले हमने बताया था कि हमारा जो एक तो ऑक्टाहाइड्रल डायग्राम हमारा उनकी सिमेट्री के इनवर्स होंगे, दूसरा हमने कहा था कि जो इस नंबर जो इलेक्ट्रॉन और होल्स का जो रिलेशन है उनका रिलेशन इनवर्स है। तो यहां पे देखिए ये वाला सेट D2 ऑक्टाहाइड्रल के लिए है तो ये D8 टेट्राहाइड्रल के लिए बनता है तो ये इनवर्स हुआ, ये अगर D7 ऑक्टाहाइड्रल के लिए बन रहा है तो ये D3 टेट्राहाइड्रल के लिए बन रहा है, ठीक है। ये वाला साइड अब D2 ऑक्टाहाइड्रल के लिए है तो ये वाला साइड इनवर्स हुआ D2 टेट्राहाइड्रल के लिए बन रहा है। उसी तरह जो हमने बताया था एक तो इलेक्ट्रॉन और होल फॉर्मुलेशन का जो इनवर्स रिलेशनशिप है उसी वजह से अगर यहाँ D2 ऑक्टाहाइड्रल के लिए है तो इसका अपोजिट आपको टेट्राहाइड्रल में यहाँ पे मिलेंगे, अगर यहाँ पे D3 ये साइड टेट्राहाइड्रल के लिए है तो ये साइड आपको ऑक्टाहाइड्रल के लिए मिल जाएंगे, और दूसरा टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल का भी क्या है इनवर्स रिलेशनशिप है। तो ये वाला आपको कंडीशन याद रखना है, अगर ये वाला सेट D2 ऑक्टाहाइड्रल के लिए है तो इसका अपोजिट, क्योंकि इसका डायरेक्ट अपोजिट आपको लेफ्ट साइड में मिलेंगे, राइट साइड आपको D2, D7 ऑक्टाहाइड्रल के लिए है, या और यही डायग्राम D3, D8 टेट्राहाइड्रल के लिए है, और जो लेफ्ट साइड है वो आपके D3, D8 ऑक्टाहाइड्रल इन केस ऑफ ऑक्टाहाइड्रल इन्वायरमेंट के लिए है और D2, D7 इन केस ऑफ टेट्राहाइड्रल इन्वायरमेंट के लिए है, ठीक है। अब यहां पे जो सिंपल सी चीज हम आगे डिस्कस करने से पहले यहां आपको बताएंगे कि यहां पे जो कम सबसे लीस एनर्जी के जो आपका एब्जॉर्प्शन बेड होगा इसके केस में यहां पे यहां से यहां होगा, मींस आपका T1 F से आपका T2 F में होगा जो सबसे कम एनर्जी के एब्जॉर्प्शन बेड होगा या ट्रांसेक्शन होगा। इस साइड में आपका यहां से जो कि आपका A2 F से आपका T2 F में होगा, इन दो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के बीच में आपका जो लोएस्ट क्या है ये लोएस्ट एनर्जी जो सबसे कम एनर्जी आपका एब्जॉर्प्शन बैंड होगा, ठीक है, क्योंकि हमने बोला था कि ऑर्गल डायग्राम जो है वो हमारा जो क्वालिटेटिव सिर्फ हमारा जो क्वालिटेटिव नंबर ऑफ जो या नेचर ऑफ ट्रांसेक्शन होगा वो हमें बताता है। तो यहां से हमारा एक तो T1 से T2 में जा सकता है, ठीक है, यहां से आपका T1P में जा सकता है, यहां से आपका A2F में जा सकता है, सिमिलरली यहां आपका A2F से T2F में जा सकता है, A2F से आपका T1F में जा सकता है, A2F से आपका T1P में जा सकता है। तो यहां पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसेक्शन या एब्जॉर्प्शन पीक मिलेंगे वो हमें कितने मिल जाएंगे, यहाँ पे 3 पीक मिल जाएंगे, जबकि हम D1 और D9 सिस्टम में हमें क्या मिल रहा था, सिर्फ सिंगल एब्जॉर्प्शन पीक मिल रहा था, क्योंकि वहां पे जो नंबर ऑफ ट्रांसेक्शन जो पॉसिबल है इलेक्ट्रॉनिक स्टेट वो सिर्फ एक ही था, या EG से T2 में या T2G से EEG में, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम आपको ध्यान में रखना है एग्जाम में, अगर आप यही डायग्राम अगर आपको
याद होगा तो आप यहां से जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑर्गल डायग्राम पे जो कि D2, D8, D3, D7 सिस्टम पे पूछे जाएंगे तो आप यहां से आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ हमारा D2, D8 सिस्टम, D3, D7 सिस्टम। ये वाला ऑर्गल डायग्राम और जो कंबाइंड ऑर्गल डायग्राम D1, D9 के लिए जो ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल के बनाया के लिए हमने बनाया था वो आपको ध्यान में रखना है। तो जो सबसे पहला चीज है जो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रा, या हम इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ D2 एंड D8, D2 एंड D8 कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ D2 एंड D8 सिस्टम जो हमने अभी बनाया था वो हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारा राइट साइड ऑफ कंबाइंड ऑर्गल डायग्राम था उसको हम लेंगे। यहां पे आपका क्या होगा, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ होगा, यहां पे आपका क्या होगा, वाई एक्सिस पे आपका एनर्जी होंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये एनर्जी, ये आपका फील्ड स्ट्रेंथ, तो आपका जो टर्म है वो ट्रिपलेट एफ है। ठीक है, तो ये वाला ट्रिपलेट एफ हमने बोला था ये तीन टर्म्स में हमारा क्या होता है, डिवाइड होता है ऐसे, और दूसरा जो आपका ग्राउंड स्टेट हो वो आपका है ट्रिपलेट पी जो कि यहां से ऐसे चला जाता है। तो ये वाला आपका T1, अब हम कंसीडर करते हैं फॉर एग्जांपल इसको हम कंसीडर करते हैं एक कॉम्प्लेक्स के लिए विनेडम के, विनेडम H2O6 3 पॉजिटिव के लिए। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल है, ये हमारा एक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है। अब हम ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स डिस्कस कर रहे हैं तो हम आसानी से यहां पे जी लगा सकते हैं और इनका स्पिन मल्टीप्लिसिटी ट्रिपलेट T1G किस स्टेट का है, एफ स्टेट का, ऐसे हम लिख लेंगे। ठीक है, तीन जो D3 इसका 23 आपका एटॉमिक नंबर है, तीन यहां से चले जाएंगे तो ये आपका D2 सिस्टम बन जाएगा। विनेडम का कॉम्प्लेक्स है 6H2O6 विनेडम 3 पॉजिटिव। दूसरा जो आपका है ये आपका है T2GF, दूसरा जो स्टेट है लेवल है मुलेकन आपका सिंबल है या मुलेकन टर्म्स आप बोल सकते हैं, ये आपका है T1GP और ये आपका है A2GF। क्योंकि हम अब अलग से डिस्कस कर रहे हैं तो हमारा एक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स हमने लिया है तो हम यहां पे जी लिख सकते हैं। ठीक है जी, हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो दो चीज है, क्योंकि हमने बताया था कि ये वाला सिस्टम अब हम D2 ऑक्टाहाइड्रल के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारा एग्जांपल है VH2O6 D2 ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हमारा ये वाला ऑर्गल डायग्राम है। अब जो हमने बताया था कि D2 अगर ऑक्टाहाइड्रल में होगा ये D8 क्या हो जाएगा, D8 हमारा टेट्राहाइड्रल भी, यही हमारा ऑर्गल डायग्राम होंगे। D2 ऑक्टाहाइड्रल की केस में हमने अगर ये डायग्राम बनाया है तो ज्योमेट्री अलग होने से इनवर्स होता है, तो ये D8 टेट्राहाइड्रल के लिए भी यही ऑर्गल डायग्राम होगा। तो यहां से आपको दो चीज, आपको एक ही ऑर्गल डायग्राम से आपका दो प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाता है, एक आपका D2 ऑक्टाहाइड्रल के लिए ये होगा और D8 टेट्राहाइड्रल के लिए भी यही होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब हम इसका, अगर हम ये इस कॉम्प्लेक्स का जब आप यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा लेते हैं, ठीक है, यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ VH2O6 3 पॉजिटिव, इसका जब हम ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स का जब हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम लेते हैं तो क्या आपको मिलता है, 10,000, ये आपका क्या है, वेव नंबर है जिसका यूनिट आपका सेंटीमीटर इनवर्स है, यहां मोलर एब्जॉर्बेंस है, या हम इसको एप्सिलॉन से डिनोट कर सकते हैं, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। ये 10,000, 20,000, 30,000,
ऐसे आपका वेव नंबर का वैल्यू आगे या आगे उधर कम या इधर बढ़ते जाएंगे। जब हमने इसका जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लिया तो हमें ऐसा एक ग्राफ देखने को मिला, ऐसा एक ग्राफ देखने को मिला, ठीक है, जो एक्चुअल जो हमारा ट्रांसैक्शन होना चाहिए। यहां पे हमें सिर्फ क्या मिला, दो ही एब्जॉर्प्शन पीक मिला, एक यहां पे दो एब्जॉर्प्शन पीक। हमारे पास जो नंबर ऑफ ट्रांसैक्शन पॉसिबल है वो कितना है, एक यहां से T1G से, दूसरा आपका यहां से, तीसरा आपका T1G से AT2F में, तीन ट्रांसैक्शंस आपका पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन यहां पे हमारे पास सिर्फ दो ही आपको पीक मिल रहा है, तीसरा कहां चला गया, एक पीक, ये वाला आपका कैसे डिनोट करेंगे, 31GF, यहां से आपका ट्रांसैक्शन हो रहा है कहां पे, यहां पे T1GP में, और दूसरा ये वाला जो कम एनर्जी का ट्रांसैक्शन हो रहा है वो आपका T1G से आपका हो रहा है T2GF में। अब ये जो ट्रिपलेट T1G से आपका ट्रिपलेट A2G है, ये वाला जो आपका एब्जॉर्प्शन पीक है, ठीक है, वो क्यों नहीं आ रहा है। यूजुअली यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये हमारा H2O है, वो वीक फीड लिगेंड है, तो होता है क्या है, यहाँ पे जो तीसरा जो ट्रांसैक्शन है वो ये क्रॉस ओवर के नजदीक हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो दो टर्म्स जो क्रॉस ओवर हो रहे उसकी नजदीक हो जाता है, तो ये वाला दो जो पीक है वो कंबाइन हो जाता है, वो क्योंकि वाटर वीक फीड लिगेंड होने की वजह से ये दोनों सेपरेट नहीं हो पाता है, तो हमारा ये कंबाइंड पीक दिख जाता है। यूजुअली यहाँ पे दो पीक होते हैं क्योंकि ये क्रॉस ओवर पॉइंट के नजदीक यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसैक्शन होता है, तो ये दोनों, ये वाला दो पीक कंबाइन होकर आपको एक ही पीक नजर आता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेंगे क्योंकि यूजुअली अगर वाटर से थोड़ा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, क्योंकि ऑर्गल डायग्राम हमारा सिर्फ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के बारे में ही हमें इंफॉर्मेशन देता है, तो कुछ लिगेंड्स में आपको यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, टोटल तीन अलग अलग पीक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका एक ऑर्गल डायग्राम जिसे हमने एक एग्जांपल विनेडियम के एक हमने ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लेके हमने बताया। तो यहां पे आपका एक तो D2 ऑक्टाहाइड्रल केस में और D8 टेट्राहाइड्रल केस में आपको ये वाला ऑर्गल डायग्राम मिलेंगे और ऐसा आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसका इनवर्स, अब हम देखेंगे जो हमारा D8 ऑक्टाहाइड्रल और D2 टेट्राहाइड्रल, इन दोनों का क्या होगा, जो हमारा ऑर्गल डायग्राम सिमिलर होगा, जो हमने अभी राइट साइड ऑफ द कंबाइंड ऑक्टाहाइड्रल ऑर्गल डायग्राम लिया था, अब हमें क्या मिलेंगे, लेफ्ट साइड मिलेंगे, जो हमने कंबाइंड ऑक्टाहाइड्रल डायग्राम लिया था उसका क्या मिलेंगे हमें, लेफ्ट साइड। यहां पर लिगेंड इंक्रीज आगे चले जाएंगे, यहां पे आपका एनर्जी इस तरह वाई एक्सिस पे बनाना है, ठीक है। अब यहां पे जो आपका टर्म था वो क्या था, ट्रिपलेट एफ, और दूसरा आपका क्या था, ट्रिपलेट पी। अब ये जो है आपकी जो कंबाइंड ऑर्गल डायग्राम के लेफ्ट साइड वाला, ठीक है। तो एफ आपका डिवाइड होता है तीन टर्म में, जो लेफ्ट साइड में आपका कोई भी मिक्सिंग नहीं होता है ड्यू टू क्रॉस ओवर रूल, यहां पे क्योंकि सिमेट्री क्या रहता है, इन दोनों का सेम है। अब आपका जो ग्राउंड स्टेट टर्म होगा वो A2GF, ठीक है। एग्जांपल लेंगे हम यहां पे एक ऑक्टाहाइड्रल कंपाउंड निकल H2O6, निकल का है हम एक एग्जांपल लेते हैं, 2+ निकल की ऐसे कॉम्प्लेक्स, ये आपका D8 सिस्टम है ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। ये जो आपका ग्राउंड स्टेट होगा A2GF, फिर आपका T2GF, ठीक, यहां पे T1GF, T1GP, क्योंकि हम ऑक्टाहाइड्रल डिस्कस कर रहे हैं तो यहां पे हमारा G रहेंगे, और यहां पे आपका जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबके क्या है, 3 है, ठीक है। तो यहां पे जो ट्रांसैक्शन नंबर ऑफ ट्रांसैक्शन पॉसिबल है वो 3 है,
A2G से ट्रिपलेट, A2G से ट्रिपलेट T2G में, ट्रिपलेट A2G से ट्रिपलेट T1GF में, और तीसरा ट्रिपलेट A2G से ट्रिपलेट T1GP में। तो तीन ट्रांसेक्शन, नंबर ऑफ ट्रांसेक्शन इस वाले ऐसे कॉम्प्लेक्स में D8 ऑक्टाहाइड्रल या D2 टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में हो सकता है। जब हमने इस कॉम्प्लेक्स का हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम देखा, ठीक है, यहां पे आपका मोलर एब्जॉर्बेंस था, यहां पे आपका क्या है वेव नंबर, जो कि हम सेंटीमीटर इनवर्स इसका क्या है यूनिट है। तो यहां पे जब हमने देखा, फॉर एग्जांपल इसका हम देखें 5000, 10000, 20000, 30000 एंड ऐसे ही इधर ये क्या होगा यूनिट होगा। तो यहां पे हमें मिला तीन एब्जॉर्प्शन पीक, इस तरह हमें तीन एब्जॉर्प्शन पीक देखने को मिला इस वाले कॉम्प्लेक्स में निकल H2O6, जो कि हमारा ऑर्गल डायग्राम भी हमें बताता है कि इसमें तीन पॉसिबल क्या है ट्रांसेक्शंस है। एक जो ट्रांसेक्शन है वो जो कम एनर्जी का, ये है आपका ट्रिपलेट A2GF से आपका ट्रिपलेट T2GF में, दूसरा आपका यहां से है ये वाला ट्रिपलेट A2GF से आपका यहां से जा सकता है ट्रिपलेट T1GF में, ट्रिपलेट T1GF में, और ये तीसरा जो ट्रांसेक्शन है वो पॉसिबल आपका ट्रिपलेट A2GF से आपका यहां से जा सकता है ट्रिपलेट T1GP में। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स में आपका जो कि D8 ऑक्टाहाइड्रल या D2 टेट्राहाइड्रल सिमिलर आपका ऑक्टा ये ऑर्गल डायग्राम होंगे और सिमिलर आपका ऐसा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा D2 और D8 सिस्टम। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा D3 और D7 सिस्टम। नेक्स्ट जो हमारा है वो है आपका D3 एंड D7 सिस्टम या हम कॉम्प्लेक्सेस। यहां पे क्या है D3 में आपका तीन इलेक्ट्रॉन है, यहां पे आपका D7 में क्या है तीन होल्स है, ठीक है। तो यहां पे जो हम ऑक्टाहाइड्रल डायग्राम, जो कंबाइंड ऑक्टाहाइड्रल डायग्राम जो हमने बनाया था, ठीक है, उसमें से यहां पे एनर्जी होंगे। तो यहां पे जो हमें टर्म्स मिला था, ठीक है, तो यहां पे जो हमारा D3 ये वाला जो पार्ट है वो आपका D3 ऑक्टाहाइड्रल के लिए और D7 टेट्राहाइड्रल के लिए। हम देखेंगे हमें कैसा ऑर्गल डायग्राम मिलते हैं। तो यहां पे एक हमारा F था और P था। अब जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारे D2 और D8 की केस में ट्रिपलेट था, यहां पे क्वार्टेट आता है, ठीक है। देखेंगे कैसे, ये हमारा टी ऑर्बिटल है, कितने इलेक्ट्रॉन है तीन, ठीक है। तो हमारा 2s+1, s इज इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो कि 3 है, 3 × 1/2 विच इज इक्वल टू 2 × 3/2+1। तो यहां पे 3+1 = 4, हमारा जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इन केस ऑफ D2 एंड D8 हमारा क्या हुआ था, ट्रिपलेट आया था, यहां पे क्वार्टेट आ रहा है 4f और 4p। अब जो है D3 ऑक्टाहाइड्रल और D7 टेट्राहाइड्रल के लिए जो हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द कंबाइंड ऑर्गल डायग्राम, ऐसा हमारा डायग्राम बना था, ठीक है, ठीक है। ये वाला ऑर्गल डायग्राम आपका D3 ऑक्टाहाइड्रल और D7 टेट्राहाइड्रल के लिए बनेंगे। A2GF इसको हम एग्जांपल लेंगे यहां पे क्रोमियम का, से CrH2O6+3+, ये आपका क्या है एक एग्जांपल है जो कि D3 ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स का है। A2G है आपका, T2GF है सेकंड, ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी आपको लिखना है, एग्जाम में आपको यही पूछे जाएंगे कि D3 में कौन सा ट्रांसेक्शन पॉसिबल है, ठीक है, T1GF और यहां पे आपका T1GP, ठीक है। क्रॉसिंग नहीं हो रहा है तो यहां पे हमने बोला कि यहां पे तीन ट्रांसेक्शन पॉसिबल है, एक क्वार्टेट A2G से क्वार्टेट T2G में, क्वार्टेट A2G से क्वार्टेट T1G में, और क्वार्टेट A2G से क्वार्टेट
T1 जी में, ये तीन ट्रांसेक्शन पॉसिबल है इस कॉम्प्लेक्स का जब हमने ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखा, ठीक है, जब हमने इसका यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा जब हमने इसका लिया तो हमें यहां पे मिला तीन एब्जॉर्प्शन बैंड, ठीक है। ऐसे आपको तीन एब्जॉर्प्शन बैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि पहला जो ये वाला एब्जॉर्प्शन बैंड है ये आपका क्वार्टेट ए टू जी एफ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है आपका क्वार्टेट टी वन जी पी में। दूसरा जो ट्रांसेक्शन ये पीक है वो क्वार्टेट ए टू जी एफ से आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसेक्शन हो रहा है आपका क्वार्टेट टी वन जी एफ में। जो थर्ड जो एब्जॉर्प्शन पीक है वो आपका क्वार्टेट ए टू जी पी से आपका क्वार्टेट टी टू जी एफ में, ठीक है, यहां से एफ से एफ में। तो ये तीन ट्रांसेक्शन आपके बोथ D3 ऑक्टाहाइड्रल एंड D7 टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में आपको ऐसा ग्राफ और ऐसा ऑर्गल डायग्राम मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आप इसका इनवर्स होगा, इनवर्स क्या होगा आप देखते हैं, अब आपका क्या होगा D3 आपका टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स और जो आपका D7 आपका ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। इसके लिए जो ऑर्गल डायग्राम बनेंगे वो हमारा राइट साइड जो हमने राइट साइड ऑफ द कंबाइंड ऑक्टाहाइड्रल डायग्राम फॉर D2 D8 D3 D7 जो कि हमारा ऐसा था, क्वार्टेट एफ है, ठीक है, ऐसा एक है और यहां पे हमारा जो दूसरा ग्रुप है वो क्वार्टेट पी है, ठीक है। ये आपका T1GF ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि इसमें हम लेंगे कोबाल्ट H2O 6 2 पॉजिटिव। ये है आपका ऐसा एक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इसके लिए आपको जो ऑर्गल डायग्राम होगा वो ऐसा होगा T1GF T2GF T1GP और आपका A2GF। तो ये आपका ऑर्गल डायग्राम होगा, ठीक है। अब यहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, जो एक्चुअल हमारा ट्रांसेक्शन होता है वो कितना होता है तीन, लेकिन ड्यू टू दी मिक्सिंग ऑफ दिस टू ट्रांसेक्शन, ये दो ट्रांसेक्शन क्योंकि क्रॉस ओवर के पास में हो रहा है तो आपका क्या मिलेगा, सिर्फ आपको देखने को तीन दो ही पीक मिल जाएंगे। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स का जो वेव नंबर सेंटीमीटर इनवर्स इधर आएंगे, इधर आपका मोलर एब्जॉर्बेंस मोलर एब्जॉर्प्टिविटी आएंगे, तो यहां पे आपको एक्चुअल में तीन ट्रांसेक्शन हो रहा है लेकिन देखने को आपको सिर्फ दो ही पीक मिलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो क्रॉस ओवर के सामने जो आपका पास में जो ट्रांसेक्शन हो रहा है वो और ये वाला ट्रांसेक्शन मिक्सअप हो जाता है तो आपका क्या हो जाता है, सिर्फ देखने को दो ही पीक मिलेंगे, ठीक है। एक आपका यहां पे मिलेंगे T1GF, क्या है स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी लिखना है, अगर ये नहीं लिखेंगे तो आपका पूरा जो ट्रांसेक्शन शो करने का जो जिस तरह ट्रांसेक्शन शो करता है वो पूरा नहीं होगा, क्वार्टेट T2GF। दूसरा आपका क्या होगा क्वार्टेट T1GF2 आपका होगा क्वार्टेट T1GP में। ये दो ट्रांसेक्शन आपकी अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में विजिबल होगा। तो अगर टेट्राहाइड्रल की हम कॉम्प्लेक्स लेंगे तो Cl4 2- ये वाला इसका कॉम्प्लेक्स का भी आपको ऑर्गल डायग्राम ऐसे बनेंगे और इसका अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आपको ऐसा अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका ऑर्गल डायग्राम। कौन कौन से सिस्टम हमने डिस्कस किए, D1 D9 बोथ इन ऑक्टाहाइड्रल एंड टेट्राहाइड्रल, इसके बाद D3 D7 बोथ इन ऑक्टाहाइड्रल एंड टेट्राहाइड्रल, इसके लिए हमने ऑर्गल डायग्राम डिस्कस किया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कैसे बनता है वो भी। इसके बाद हमने D2 D8, तो हमने D1 से लेके D9 तक हमने डिस्कस किया इसमें कि इनका ऑर्गल डायग्राम कैसा बनता है, कंबाइंड ऑर्गल डायग्राम कैसा है, ऑर्गल डायग्राम से हमें क्या इंफॉर्मेशन है मिलता है, नेचर एंड नंबर ऑफ ट्रांसेक्शन पॉसिबल इन ए कॉम्प्लेक्स।
और यहां पे जो बचता है जो हमने अभी डिस्कस नहीं किया है वो है D5 सिस्टम। क्योंकि D5 सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो पूरा सारा जो डी ऑर्बिटल्स है वो क्या है, सिंगलली फिल है। ठीक है, सिंगलली फिल है डी जो आपका D5 सिस्टम में क्या होगा, आपका जो डी ऑर्बिटल के जो पांचों सबशेल है वो क्या होगा, सिंगलली फिल होगा, जो कि आपका सबसे स्टेबल आपका क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन होगा। यहां पे अगर हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपका क्या होगा, S = 12 into 5 by 2 + 1 = 6, जो आपका सबसे हाईएस्ट जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आता है वो आपका एस है। ठीक है, तो यहां पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स +2 + 1 = 0 - 1 - 2 सब एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, L = आपको 0 आएंगे, तो आपका जो ग्राउंड स्टेट होगा वो S क्या होगा, फिर 6S आपका क्या होगा, ग्राउंड स्टेट होगा इन केस ऑफ D5 सिस्टम। अब D5 सिस्टम में क्या है, अगर हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से वेरी करते हैं तो आपके पास डिफरेंट जो आपका न्यू टर्म्स आ जाता है, जो ग्राउंड स्टेट टर्म, इसमें आपको एक 6s मिलेंगे, ठीक है, इसके साथ आपको 4g भी मिलेंगे, इसके साथ आपका 4d मिल सकता है, इसके आपका 4p भी मिल सकता है यहाँ पे, और आपका 4fp यहाँ पे ग्राउंड स्टेट टर्म्स मिल सकता है। ठीक है, तो इसका अगर हम ऑर्गल डायग्राम देखें तो ऑर्गल डायग्राम आपका जो D5 सिस्टम का ऐसा होगा, यहां पे आपका क्या होगा, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ होगा, जो वाई एक्सिस पे आपका क्या होगा, एनर्जी होगा। तो ये यहां पे जो ग्राउंड स्टेट सबसे लीस एनर्जी वाला जो टर्म है वो हमने बोला कि है ये 6s, तो ये आपका क्या होगा, जो लास्ट एनर्जी का ग्राउंड स्टेट टर्म होंगे। दूसरा इसके बाद जो कम एनर्जी का होंगे वो आपका 4g है, ठीक है, इसके बाद आपका 4d है, इसके बाद आपका 4p है, और जो सबसे हायर एनर्जी का है वो आपका 4f है। तो हमने कहा है कि ये आपका ग्राउंड फ्री स्टेट टर्म है, जब इसको आप मैग्नेटिक या जो लिगेंड फील्ड के अंडर लाते हैं तो ये भी फर्दर स्प्लिट अप हो जाता है। अब जी कैसे होंगे, जी क्योंकि आपके पास 9 जो ऑर्बिटल है तो ये आपका एक ऐसा ये स्प्लिटिंग करेंगे, ठीक है, एक ये होगा जी ऑर्बिटल्स ऐसे D5 केस में स्प्लिट अप हो जाता है। ठीक है, एस ऑर्बिटल है तो ये आपका 6a1g होंगे, अगर हम बात कर रहे हैं अगर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की बात, और ये आपका 4t1g होंगे, ठीक है, और ये आपका 4t2g, और ये आपका 4a2g और 4eg, 3, 3, 6, 7, 8, 9 जो कि टोटल जी का डी ऑर्बिटल हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब आपका यहाँ पे पहले पी आएंगे फिर डी आएंगे, ठीक है, फिर आपका ये जो पी ऑर्बिटल एनर्जी हायर हो जाएगा और डी ऑर्बिटल का एनर्जी कम हो जाएंगे। डी ऑर्बिटल में आपको दो आपका मिलिकन टर्म्स सिंबल है, ठीक है, आपका एक T2g है 4 और 4eg है, यहाँ पे आपका p का कोई जो स्प्लिटिंग नहीं होता है तो 41g है। अब आपका जो f ऑर्बिटल भी आपका तीन टर्म्स में स्प्लिट अप हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है 7 ऑर्बिटल्स है, तो आपका एक है 4a2g, फिर आपका 4t2g एंड 4t1g, ये क्या होगा आपका T1G एंड देन T2G, ये आपका है जो D5 सिस्टम के लिए ऑर्गल डायग्राम। लेकिन मोस्टली जो आपका ऑर्गल डायग्राम D5 सिस्टम है, जैसे कि MnH2O6 पॉजिटिव है, इनका कलर क्या हो जाता है, ये जो होता है कलरलेस या वाइट कलर के आपका क्या हो जाता है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि अगर यहां से आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसैक्शन करना है तो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि सिंगलली फिल्ड है आपका ऐसा है, अगर डी ऑर्बिटल इन केस ऑफ ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में ये सब क्या है, फिल्ड है। ठीक है,
अगर यहां पे आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसेक्शन करेंगे तो अगर ये यहां से ऊपर चले जाएंगे तो इसका स्पिन क्या होगा, चेंज हो जाएंगे। स्पिन जब आपका चेंज होगा तो आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएंगे। जब आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू चेंज होता है तो आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसेक्शन क्या रहता है, स्पिन फॉरबिडन रहता है। स्पिन फॉरबिडन रहने से उसका जो इंटेंसिटी आता है वो बहुत कम इंटेंस आ जाता है। तो यूजुअली जो आपका D5 सिस्टम मैग्नीस के जो कॉम्प्लेक्स रहता है वो वाइड रहता है। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स का अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखेंगे तो वहां पे एक तो आपको जो एब्जॉर्प्शन नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है, ऐसा आपको स्पेक्ट्रा मिल जाएंगे देखने को। ऐसे आपको स्पेक्ट्रम में पीक्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहां पे आपका वेवलेंथ है, वेव नंबर, यहां पे क्या है, एप्सिलॉन मोलर एब्जॉर्प्टिविटी है। तो ऐसे आपको जिसमें बहुत सारे पीक्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यूजुअली ये सारा पीक्स क्या होता है, आपको इसमें से कुछ ही आपको क्या मिलेंगे, जो आपका स्पिन जो सिलेक्शन रूल है उसको वायलेट करता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे ये सब जो है इंटेंसिटी बहुत कम होंगे। ये वाला जो पीक है ये 6A1G से आपका 4T1G, वो जी वाला जो टर्म है वहां पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसेक्शंस की वजह से आ रहा है। ये 6A1G से आपका 4T2G की वजह से आ रहा है, ये भी जी जो टर्म है वो उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसेक्शन, यहीं से पता चलता है क्योंकि यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी डिफरेंट है तो आपका स्पिन जो सिलेक्शन रूल है वो वायलेट करता है। ये वाला जो पीक है वो 6A1G से आपका 4EG या 4AG A2G वाले आपके टर्म में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसेक्शन हो रहा है, ये आपका 6A1G से आपका ये वाला ट्रांसेक्शन आपका 4T2G डी में हो रहा है, डी टर्म में, और ये वाला आपका 6A1G से आपका 4EG डी वाले टर्म में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यूजुअली जो D5 कॉम्प्लेक्स है वो आपको क्या आता है, उतना कलर्ड कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स थोड़ा होता है वहां पे जो हमने जो स्पिन सिलेक्शन रूल्स में जो रिलैक्सेशन होता है उनकी वजह से उनमें थोड़ा कलर आ जाता है। यूजुअली यहाँ पे बहुत सारे एब्जॉर्प्शन बैंड्स की वजह से उनकी जो कि इंटेंस बहुत कम रहता है, तो D5 कॉम्प्लेक्स आपको मोस्टली क्या मिलता है, कलरलेस मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका ऑर्गल डायग्राम जो कि एग्जाम व्यू ऑफ पॉइंट्स है, नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आपको जस्ट जो कंबाइंड ऑर्गल डायग्राम जो हमने दो बनाए हैं उनको ध्यान से आपको याद रखना है, वहां से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, यहाँ पे हमारा ऑर्गल डायग्राम भी फिनिश होता है। थैंक यू।